दुनिया में भगवान ने कुछ बेहद खूबसूरत जगह बसाई और वहां रहे भी, जिसमें भारत का उत्तराखंड भी शामिल है। जी हाँ, आज हम उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं हमारे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तर भारत में स्थित एक ऐसा राज्य जो उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से जुड़ा है। उत्तराखंड का पूर्व नाम उत्तरांचल था, जिसका निर्माण नवंबर 2000 में कई वर्षों के आंदोलन के बाद हो पाया और बाद में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जो सन 2008 में किया था। आइए जानते हैं उत्तराखंड के आकर्षण का राज। उत्तराखंड एक हिंदू धर्म का राज्य है जो खासकर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी नदी जैसे गंगा और यमुना आदि शामिल है। उत्तराखंड में कई जिले जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे कई ऐसे जिले अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं बल्कि चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी उत्तराखंड में ही आता है और छोटा चार धाम जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के रूप में देखा जाता है, वह भी उत्तराखंड में स्थित है। योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं दुनिया की योग राजधानी, वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। बात करें उत्तराखंड की भाषाओं की, तो हिंदी और संस्कृत यहाँ की राज्य भाषा है और यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी प्रमुख बोलियां हैं। और इसके अलावा यहाँ बोलियां हवा और पानी की तरह कई क्षेत्रों में अलग भी है। उत्तराखंड के दो प्रमुख मंडल है, जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है। यहाँ के संस्कृति की बात करें तो उत्तराखंड का रहन सहन काफी अलग है। यहाँ साल के 12 महीने मौसम ठंडा रहता है, मकान कच्चे होते हैं लेकिन समय के साथ लोग पक्के मकान बना रहे हैं। यहाँ अधिकतर घरों में दिन के समय भात, जिसे चावल भी कहते हैं, बनता है और रात के समय रोटी खाने का प्रचलन है। उत्तराखंड में लगभग साल के हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड की लोकप्रिय मिठाई बाल मिठाई है और शादियों में बनने वाली लोकप्रिय मिठाई, जिसको स्थानीय भाषा में अरसा या अरसे भी कहते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन समय से मंडुआ और झुंगोरा स्थानीय मोटा अनाज है, जो अब काफी कम हो गया है। यहाँ आपको हर घर में पशुपालन गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के रूप में देखने को मिल जाएगा, जो अब कम होता नजर आ रहा है। यहाँ की वेशभूषा की बात करें तो वो भी काफी आकर्षित करने वाली है। यहाँ महिलाएं घाघरा और अंगड़ी और पुरुष कुर्ता और पजामा पहनते हैं, लेकिन ये प्रचलन भी अब समय के साथ बदलता जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें हम उत्तराखंड के आभूषण की, तो आभूषण में यहाँ महिलाएं गले में गुलाबंद, नाक में नथ, कानों में कर्णफूल कुंडल, सिर पर शीशफूल, हाथों में पौंजी या पौंछी, पैरों में बिछुए पैजेब पौटा पहनती है। यहाँ की कलाएं भी काफी प्रचलन में हैं, जिसमें एपेंट शामिल है। इसमें त्योहारों में घरों के आंगन व सीढ़ियों को गेरू से लीपा जाता है, चावल को भिगोकर उसे पीसा जाता है और उस लेप से आकर्षण चित्र बनाए जाते हैं। यह कला काफी प्राचीन समय से चलती आ रही है, जिसके कारण इसका प्रशिक्षण केवल स्थानीय लोगों तक ही सीमित है। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य वृक्ष बुरास है और राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप उत्तराखंड के बारे में कुछ अच्छा जान पाए होंगे या किस लिए उत्तराखंड इतना फेमस है।